कोरोना काल में रक्षाबंधन पर्व को लेकर अभी तक बाजार से रौनक गायब थी, लेकिन धार में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन होने के कारण आज शुक्रवार को अचानक मार्केट में भीड़ बढ़ गई। भाई बहन के विश्वास भरे इस पर्व पर कोरोना महामारी के डर के चलते व्यवसाय फीका नजर आ रहा है। राखियों से सजे बाजारों में इस बार स्वदेशी राखियों का ही बोलबाला है। खासतौर पर भाइयों के फोटो से बनी राखियों की डिमांड इस बार विशेष रूप से देखी जा रही है। धारनगर में शनिवार और रविवार को प्रशासन द्वारा पूर्णतः बंद के चलते आज शुक्रवार को शहर में खासी भीड़ देखी जा रही है। बहनें अपने भाइयों के लिए राखी खरीदने बड़ी तादाद में धार सहित आसपास के क्षेत्रों से शहर में आई है। साथ ही भाई भी अपनी बहनों को गिफ्ट देने के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों की मानो तो इस बार व्यापार व्यवसाय फीका है, फिर भी सुरक्षात्मक उपाय के साथ अपने अपने तरीके से खरीदी बिक्री नगर में जारी है। रक्षाबंधन का त्यौहार है, नई नई राखियाँ आ रही है, नई नई फोटो की राखियाँ आ रही है, इसको हम बनाए जा रहे हैं। बहुत सारे कस्टमरों को बेच भी दिए हमने और बनाए जा रहे हैं। इसी के चलन में हम फोटो वाली राखी बना रहे हैं। क्या कॉस्टली लगता है इसका, मतलब कितने से लेके कितने तक की राखियाँ बनती है इसमें? ये राखी हम 45 से लेके 60 से 70 वाली, सब क्वालिटी अलग अलग है, सबके रेट अलग अलग है, सब प्रकार की राखियाँ है। ये अभी ज़्यादा ज़्यादा यही चल रही है। अच्छा, अभी तक अपन ने कितनी कितने लोगों को राखियाँ दी और अभी कितने आ रहे हैं? ये अभी तक हमने 500 से ऊपर राखियाँ दे दी है और अभी आए जा रहे हैं कस्टमर और हम दिए जा रहे हैं। रक्षाबंधन का जो त्यौहार है साल में आता है और ये भाई बहनों का त्यौहार है जो पारंपरिक अपना उत्सव है, लेकिन इस बार कोरोना काल के कारण ना तो पब्लिक है ना मार्केट में भीड़ भाड़ है, कुछ भी नहीं है, जबकि सारी व्यवस्था कर रखी है, सैनिटाइज भी रखा हुआ है, व्यवस्थित मामले भी रखे हैं, पर मार्केट में गिरा के बिल्कुल। कोविड-19 के तहत अभी तक जिले में 388 केस हो चुके हैं। मुख्यतः संक्रमित जो क्षेत्र हैं वो कुछ ही मनावर, धामनोद, धार, अमझेरा, ऐसी बड़ी बस्तियां हैं, लेकिन अनलॉक होने के बाद बहुत से क्षेत्रों से लोग धार मार्केट में और इंदौर मार्केट में भी आने जाने लगे हैं। लोगों का मूवमेंट काफ़ी बढ़ा है और कुछ व्यक्ति जो इलाज कराने हॉस्पिटल्स में जाते हैं वहाँ पे भी संक्रमण की ऐसी चीज़ें आई हैं। तो पूरे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें निकट भविष्य में देखने को मिली हैं। जो MHA के गाइडलाइंस हैं उसके तहत हम लोगों ने जो कोविड पॉजिटिव आता है उसका कांटेक्ट ट्रेसिंग करके फर्स्ट कांटेक्ट के को अलग करना, उनको होम क्वारंटाइन करना, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना और उनका 10 दिन बाद सैंपल लेने के शासन के निर्देश हैं और उसके तहत हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इस पर नियंत्रण करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन ने और होम मिनिस्ट्री ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं। उस इंस्ट्रक्शन के तहत जो हमारी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कमेटी है उसमें हम उन चीज़ों को रखते हैं और ज़िले के हित में, लोगों के स्वास्थ्य के हित में जो है निर्णय वो करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं धार की जनता को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब भी हमने जो निर्णय लिए हैं उनके हित में उन्होंने उसका अच्छा सा पालन सुनिश्चित किया है। आज की डेट में धार शहर में सैटरडे संडे को लॉकडाउन है, रात में कर्फ्यू जारी है, लोग उसका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सैनिटाइजेशन का यूज करना, इसके बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा पालन न करने पर कड़ी कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। भविष्य में जो त्यौहार आ रहे हैं उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लोगों से अपील की है कि इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मोबाइल से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बहनें अपना त्यौहार मनाएं, किसी भी प्रकार का जमावड़ा नहीं होने दिया जाएगा, किसी प्रकार का जुलूस और प्रतिमा का स्थापना इन सबको प्रतिबंधित किया गया है। सभी को अपने घरों में रह कर त्यौहार मनाने की अपील की गई है और आपके चैनल के माध्यम से मैं भी अपील करूँगा कि आप स्वयं की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने मोहल्ले के और समाज की सुरक्षा के लिए इन नियमों का पालन करें। ये एक अलग दौर है, ये महामारी का दौर है जिसमें सामान्य नियम नहीं चलते हैं। बहुत सी चीज़ें परंपरागत से रूप से चली आ रही हैं उनको छोड़ के लोक स्वास्थ्य के हित में जो चीज़ें हैं उनको सबको पालन करना चाहिए और जो पालन नहीं करते हैं उनसे हम कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बाइंड न्यूज़, धार।